नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद केके। आज है 27 अगस्त 2021 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का ये, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होने वाली है। और एक जीनोमिक्स लैब जो कि हैदराबाद में है, उसका लोकार्पण भी किया गया है, तो यह भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैदराबाद में लोकार्पण किया गया है तो मध्य प्रदेश से उसका क्या कनेक्शन है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मध्य प्रदेश एंड हैदराबाद। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट पिंक जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक कलर और यह वैक्सीन का निशान, पिंक वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं वह किसके लिए हैं, स्पेशली किसके लिए डेडिकेटेड हैं दोस्तों, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जीनोमिक्स लैब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन सेशन हमारा डिस्कस होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो नवीन शिक्षा नीति है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो नवीन शिक्षा नीति है उसको लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। और आज हम देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश ऐसी जो शिक्षा नीति है, नवीन शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश में कौन से नंबर का प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन, नेम मिस आउट नो अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट वी आर डिस्कसिंग टुडे, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी। जी हाँ दोस्तों, देसी नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होने वाली है मध्य प्रदेश के किस शहर में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह शहर है दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर एक इंदौर, जबलपुर, रतलाम या फिर ग्वालियर। तो चलिए आपको हिंट देता हूं, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें। उस शहर में स्थापित होगी यह लैब जो कि लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 बार टॉप पर रहा है। उस शहर में स्थापित होगी यह जीनोमिक्स लैब जो कि स्मार्ट सिटी में 1 रहा है। उस शहर में स्थापित होगी यह जीनोमिक्स लैब जो शहर 9 पर रहा है लिविंग इंडेक्स में, जो नीति आयोग का लिविंग इंडेक्स होता है उसमें, तो 9 पर रहा है। तो कौन सा है वह शहर, अब तक आप लोग जान ही गए होंगे, इंदौर। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्वच्छता की राजधानी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है दोस्तों। होलकर नगरी भी इसे कहा जाता है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इंदौर शहर से इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह भी मैंने आप लोगों को बता दिए। और ये एक और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अब बनने वाला है, जीनोमिक्स लैब कहाँ पर स्थापित होना है, एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब इंदौर में स्थापित होना है। दोस्तों, जब चर्चा हुई है एशिया की सबसे बड़ी, तो एशिया की सबसे बड़ी कौन कौन से जो अभी करंट में मध्य प्रदेश में ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त की है मध्य प्रदेश ने जो कि एशिया में सबसे बड़ी है, जैसे कि ओम कारेश्वर में दोस्तों स्टैब्लिश किया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। याद रखना है आपको, इससे 600 मेगावाट विद्युत उत्पादित होगी और यह एशिया का सबसे बड़ा आपका सोलर जो फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है वह होने वाला है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश की क्या है, संस्कृत राजधानी है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं पर त्रिपुरी है दोस्तों, और त्रिपुरी में दोस्तों कांग्रेस का 52वां जो संविधान अधिवेशन हुआ था वह यहीं पर हुआ था। 1939 में यह हुआ था, सुभाष चंद्र उसको उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। पट्टा भी इसी तरह मैं उसमें हार गए थे, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। रतलाम में दोस्तों क्या है, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट यू शुड नो रिमेंबर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट ग्वालियर। ग्वालियर दोस्तों सिंधिया राजवंश का काफी अधिक इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों। यहां पर सिंधिया राजवंश का शासन रहा है, तोमर वंश का भी यहां पर शासन रहा है, कुछ समय मुगलों ने भी यहां पर शासन किया है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्वालियर। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के 2 को शामिल किया गया था, एक था ओरछा और एक आपका प्यारा ग्वालियर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के मात्र 2 को शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सिटी के अंतर्गत दोस्तों। और किस
कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, लैंडस्केप, अर्बन लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदौर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब कितने करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली है? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एशिया की सबसे बड़ी जो जीनोमिक्स लैब है वह कहाँ पर स्टेब्लिश होने वाली है? इंदौर में। अब हम डिस्कस करेंगे कि यह जो एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब है इंदौर में स्टेब्लिश करने होने वाली है, इसकी कितने करोड़ की लागत होगी दोस्तों? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट वी शुड नो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज डेट 165 करोड़, सेकंड एट 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़। सो द राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 165 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्टेब्लिश होने वाली है, उसका 165 करोड़ रुपये का खर्चा आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं अच्छी खबर। इंदौर में स्थापित होगी एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब। एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी गुरुवार को न्यूक्लियोम इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर की वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर बातें कही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीन खोजों और विकसित हो रही तकनीक को किसानों के खेती से जोड़ना जरूरी है। एग्री जीनोमिक्स ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिससे अधिक उपज, कीट प्रतिरोधक क्षमता और फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। किसानों को अत्यंत वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने में नंद कुमार से सेंटर फॉर जीनोमिक्स काफ़ी अधिक उपयोगी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने NKC सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च का शुभारंभ किया? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है आपको। ऑप्शन नंबर एक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। सॉरी दोस्तों, यहां पर दो बार राज्यपाल आ गया है, इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री। तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था NKC सेंटर जो कि जीनोमिक्स सेंटर है, इसका वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने न्यूक्लियर इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा हैदराबाद में स्थापित सेंटर का मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संजय जय प्रताप, श्री राजेंद्र गहलोत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन, केंद्रीय पशुपालन सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक वैक्सीन स्थल किससे संबंधित है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। वैक्सीन का महाअभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और इस दौरान आपको एक वर्ड काफ़ी बार सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज इंदौर में जाकर उसके बाद रतलाम में जाकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पिंक वैक्सीन सेंटर को विजिट किया है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, समय समय पर और भी अन्य मंत्रियों द्वारा इस पिंक वैक्सीन सेंटर को विजिट किया जा रहा है और काफ़ी अधिक न्यूज़ में यह रहा है। तो मैंने सोचा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कुड बी कम इन योर एग्जाम, सो वी शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। तो यह पिंक वैक्सीन सेंटर है क्या, इसके बारे में हमें जानना ही होगा। सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज डेट गर्भवती महिलाओं के लिए अर्थात प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है क्या, ये वृद्ध महिलाओं के लिए, ओल्ड लेडीज के लिए है, या फिर आदिवासियों के लिए है, ट्राइब्स के लिए है, या फिर बच्चों के लिए है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अर्थात जो पिंक वैक्सीन स्थल है यह गर्भवती महिलाओं के लिए ओपन किए गए हैं, उनकी सुविधा को देख के किए गए हैं ताकि उनको इंतजार ना करना पड़े और जो भी प्रिकॉशन उनके लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सावधानियां गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए वैक्सीन के दौरान, वह सभी की सभी यहां पर उपलब्ध होंगी। सो दैट इज व्हाई दिस पिंक जो वैक्सीन सेंटर है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ प्रेग्नेंट लेडीज की चर्चा हुई दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा फीडिंग रूम की व्यवस्था कहां पर की गई है, मांडू में की गई थी, जहाज महल में, और मध्य प्रदेश में प्रथम बार कौन सा पर्यटक स्थल था जहां पर शुरुआत की गई थी इस तरीके के रूम की? खजुराहो में, जहां पर जो माता है वह अपने बच्चों को फीडिंग कर सकती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर वर्ड आप देख रहे होंगे आदिवासी, दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, 21% जनसंख्या यहां की क्या है, ट्राइब्स है दोस्तों, आपको याद रखना है आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, धार जिले में है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है सबसे अधिक प्रतिशत कहां पर है, तो सबसे अधिक आदिवासियों का प्रतिशत कहां पर है, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो मैं वेट करता हूं आपके आंसर का, आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो इंदौर में वैक्सीनेशन महाअभियान में सक्रिय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को संबोधन किया गया है। पिंक वैक्सीनेशन स्थल गर्भवती महिलाओं से संबंधित हैं, तो हमें इतना याद रखना है कि जो पिंक वैक्सीनेशन स्थल है वह किससे संबंधित है, प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटिव है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, MP में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, देश का कौन सा राज्य बन गया? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है जिसने आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है।
आपको ऑप्शन नंबर एक है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर वन पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू कर दिया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश ही देश का ऐसा प्रथम राज्य था, जो को आपको मालूम होना चाहिए, जो कृषि कानून है, जो नए कृषि कानून है, जिस पर किसानों ने काफ़ी अधिक आंदोलन भी किया और लगातार अभी भी आंदोलन जारी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने कि नवीन कृषि कानूनों के अंतर्गत होशंगाबाद जिले की SDM कोर्ट थी, जिसने प्रथम बार राइस मिल और किसानों के बीच का जो विवाद था उसके अंतर्गत फैसला सुनाया, किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि जो बकाया है उसको आपको चुकाना होगा। तो मध्य प्रदेश का नए किसी कानून के अंतर्गत न्याय देने वाला प्रथम जिला कौन सा था, पूरे भारत का जिला प्रथम कौन सा था, होशंगाबाद। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज की हमारी पूरी न्यूज को हम डिस्कस करते हैं। MP में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। CM ने कहा स्टेट रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन बनेगा, इंडस्ट्रीज को हायर एजुकेशन से जोड़ेंगे। MP में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। भोपाल के मिंटो हॉल में गुरुवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। CM ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो यह दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। राज्य में ज्ञान शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाया जाएगा, किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा, तो दोस्तों यह बनाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और CM ने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसकी तर्ज पर राज्य में भी राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, स्कूलों में प्रतिवर्ष आयोजित होगा संस्कृत सप्ताह, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है? द सेकंड क्वेश्चन इज दैट किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो रही फिशिंग कैट की खोज की गई है? दिस ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप यू विल डेफिनेटली गिव मी आंसर। आई एम वेटिंग फॉर ऑल स्टूडेंट आंसर, देन इफ यू गिव मी आंसर आई विल वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू, बिकॉज ऑफ दिस इफ यू गिव आंसर इट विल बेनिफिशियल फॉर यू वेन एवर यू सिटिंग इन योर एग्जाम हॉल। यू कैन इजिली रिमेंबर दिस क्वेश्चन, इफ दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम यू कैन इजिली रिमेंबर, यू कैन इजिली गिव आंसर, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन नेम ऑन योर अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस PDF। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS MPSC विद KK।